आज कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे फोटो एडिट होने वाला है। जो बांड होता है ना, जिसका सर पैर कटा होता है, कुछ वैसा ही फोटो एडिट करने वाले हैं। तो कौन एप्लीकेशन में इसको एडिट करना है, किस तरह का फोटो क्लिक करवाना है, सारा इससे आपका सारा डॉट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, और वीडियो को चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू कर दें। सबसे पहले हम अपना आपको बता देना चाहते हैं कि आपको किस तरह का फोटो आपको क्लिक करवाना है, ठीक है। तो आपको फोटो इस तरह का क्लिक करवाना है, आपको कुछ दिखा रहे हैं आपको इस तरह का, आपको दो तीन फोटो क्लिक करवा लेना है। मैंने दो तीन फोटो क्लिक करवा रखा और जो लोकेशन पे, और दूसरा इस फोटो को क्लिक करवा लेना है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का दोनों फोटो क्लिक करवाना है, और जिस लोकेशन पे आप क्लिक करवा रहे फोटो, उस लोकेशन का एक बैकग्राउंड का मतलब एक फ़ोटो और लेना है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को हम सेंड कर देते हैं पिकार्ट में, तो इसको हम सेंड कर देते हैं अपना पिक आर्ट में, ठीक है। यहाँ से आपको पिक आर्ट में सेंड कर लेना है, और सेंड करने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोटो को यहाँ से ऐड करेंगे अपना फ़ोटो को, यहाँ पे जिस फ़ोटो को एडिट करना है उस फ़ोटो को यहाँ से ऐड कर लेंगे हम। तो यहाँ ओपन हो रहा है सारा फ़ोटो, तो सबसे पहले हम खड़ा वाला फ़ोटो को हम यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम खड़ा वाला फ़ोटो को यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम इसका जितना भी बैकग्राउंड का पीछे जो ग्रीन है उसका सारा हम रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ से ब्रश के वेपन पे क्लिक करके, और यहाँ से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप आराम से कीजिएगा, आपको कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, आप चाहते हो कितना रखें तो आप यहाँ इतना करके आप कर सकते हो। तो छोटा अगर रखिएगा छोटा साइज में, तो आपको बढ़िया होगा कि आराम से करने में, मतलब परफेक्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ से हम अपना साइज के अनुसार यहाँ से हम कर ही लेते हैं। हम साइज को बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे सारे रिमूव कर देते हैं इसके पीछे वाला। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी कोई फ़ोटो क्लिक करवाते हो ग्रीन बैकग्राउंड के कहीं पे, आप अगर फ़ोटो क्लिक करवाते हो, तो मेरा सजेशन यह रहेगा कि आप ग्रीन बैकग्राउंड के ही साथ, आप अगर कहीं पेड़ पौधा वैसा अगर मिल जाए तो उसी के पीछे आप फ़ोटो को क्लिक करवाएं। क्योंकि अगर वहाँ पे आप क्लिक करवाते हो ना, तो दो बेनिफिट मिलता है कि अगर लाइटरूम में रिटच करते हो तो वहाँ से बहुत ही बढ़िया आपको रिटच हो जाएगा, जो अगर आप कलर चाहते हो वो कलर आपसे मिल जाएगा। अगर लाइटरूम का ट्यूटोरियल वीडियो भी मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर जहाँ भी आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, फ़ोटो शूट के लिए अगर निकलते हो, तो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ ही आपको फ़ोटो क्लिक करवाएं, क्योंकि बहुत ही आसानी रहती है वहाँ से। अगर देखिए, अगर डबल फ़ोटो है यहाँ पे, तो मैं इसमें एक बेनिफिट बता देना चाहता हूँ, अभी बताता हूँ कि इसमें अगर बैकग्राउंड किस तरह का बेनिफिट मिलता है। अगर हम ग्रीन पेड़ पौधा अगर जहाँ पे रहता है वहाँ पे अगर हम फोटो खिंचाते हैं, तो वहाँ पे किस तरह का बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर यहाँ पे बेनिफिट यह मिल गया कि जैसे अगर ये तो रिमूव नहीं कर सकते हम, ये रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन पीछे है और ग्रीन यहाँ भी है, तो इसके मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिल गया है, ठीक है। तो यही बेनिफिट मिलता है, अगर ग्रीन हो गया ना, तो लाइटरूम में रिटच करके आप वहाँ से मेकअप कर सकते हो, घास पे अगर आप खिंचाते हो तो घास तो रिमूव उतना तो क्लीन नहीं होगा, तो लाइटरूम में ले जाओगे तो वहाँ से तो रिटच हो जाएगा, ग्रीन तो सब चीज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका मेकअप कर देगा लाइटरूम, ठीक है। इसलिए हम मेरा सजेशन रहेगा ग्रीन बैकग्राउंड के साथ ही अगर आप क्लिक करवाएँ तो बेटर रहेगा, लेकिन बाकी आपकी मर्जी, मैं तो आपको ऐसी सजेशन दे रहा था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो तो लंबा बन जाएगा, इसे थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं। बाकी तो आप देख लिए कि किस तरह का रिमूव करना है, अब आप आराम आराम से साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करते हैं,
लीजिए यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे ये पैर वाला जो है सो कट गया, ठीक है। तो यहाँ से सही करके अपना एडजस्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट हम कर लिए हैं। और यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे डन सही का ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना दूसरा मॉडल को यहाँ पे ले आना है, ठीक है। तो दूसरा मॉडल को यहाँ पे हम ले आते हैं, दूसरा मॉडल को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, दूसरा मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं, और जिस तरह से हम पिछले फोटो को यहाँ पे रिमूव किया था उसी तरह का हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो इसका वीडियो थोड़ा सा स्पीड कर देंगे क्योंकि पिछले वाले फ़ोटो में आप तो पता आपको चल ही गया होगा किस तरह का रिमूव होता है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ से साइज पे इरेजर पे आ जाना है, और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं किस तरह का करना है, उसके बाद हम वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह का यही बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप कर सकते हो इरेज। तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं, ठीक है। सही कर देना है, और सही करने के बाद आपको यहाँ ड्रॉ टूल में आ जाना है, और ड्रॉ टूल में आने के बाद यहाँ पे अपने फोटो को यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना लाइटरूम ओपन करना है। लाइटरूम ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐड फोटो में चले जाना है, और ऐड फोटो में आने के बाद यहाँ पे जो फोटो एडिट हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे अपना यहाँ पे ऐड कर देंगे इस फोटो को, और यहाँ से ऐड करने के बाद यहाँ पे क्लियर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पे मिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैं बताया था कि अगर आप लाइटरूम यूज़ करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रीन ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ग्रीन को हम हाई को हम सिंपली सबसे माइनस कर देते हैं, 100 माइनस कर देते हैं, ठीक है। और सेचुरेशन को हम कुछ 9-10 के आसपास में रखते हैं, लुमिनेशन को भी माइनस कर देते हैं, ठीक है। और एलो को भी माइनस करते हैं, फुल माइनस कर देते हैं, और सेचुरेशन को भी हम प्लस और लुमिनेशन को माइनस क्योर करते हैं, और थोड़ा सा अपना क्लर को सेट कर लेते हैं सेट को। और यहाँ सेट करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लर वाले ऑप्शन पे चल जाते हैं, और एक्सपोजर को यहाँ से बढ़ा देते हैं, अकाउंट स्टार्ट को थोड़ा सा माइनस की ओर, और इतना करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट वाले आ जाना है, और यहाँ से थोड़ा सा अपना मैन पॉइंट और फैदर को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, और यहाँ पे ट्रेंगल वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से थोड़ा सा सबको थोड़ा सबको यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है। स्टार वगैरह सारा सच को बढ़ा देना, इससे आपको फोटो थोड़ा सा स्मूथ आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।